हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज फिर मैं आपके लिए एक सस्ता फ्लैट, सस्ता 2 BHK लेके आया हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है गौरव एस्टर। बिल्डिंग जो लोकेटेड है वो वीना नगर एरिया में आती है। JKRS के जस्ट अपोजिट साइड की ये बिल्डिंग है और गौरव वैली के बिहाइंड साइड में ये एरिया पड़ता है। सो गौरव वैली कॉम्प्लेक्स में ही ये बिल्डिंग आती है। बिल्डिंग जो है वो 16 स्टोरेज, मींस आपका ए विंग और जो सी विंग है वो 16 स्टोरेज है, और बी विंग है गाइस वो 17 स्टोरेज बना हुआ है। बिल्डिंग के जो नीचे का एरिया अगर आप देखो तो वो काफ़ी स्पेशियस एरिया है, मींस आपका विजिटर पार्किंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। 95% लोन गाइस अवेलेबल है बिल्डिंग पे। कोई भी फ्लैट अगर आप इसमें लेते हो तो 95% LIC हाउसिंग से लोन हो जाता है। अदर बैंक में अगर लोन लेने के लिए जाओगे तो 80% लाइक PNB है, अदर बैंक से लोगे तो 80% से ज़्यादा लोन नहीं होगा। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट और ड्यूअल लिफ्ट गाइस आपको मिल जाती है, और फ्लैट का जो कार्पेट एरिया है वो 585 कार्पेट है विद बालकनी। सुपर बिल्टअप एरिया 850 है गाइस, और बालकनी से जो व्यू दिखता है वो सामने JKRS दिखता है। फ्लैट का जो एंट्रेंस है वो ईस्ट है गाइस, और एग्जिट करोगे तो वेस्ट है। फ्लैट के हॉल की अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 9x14 का आपको हॉल मिल जाता है गाइस, और पैसेज का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। एल शेप का इसमें किचन मिल जाता है आपको गाइस, और अभी कैसा है ना, टेनेंट रहते हैं तो थोड़ा सा आपको मैसअप दिख रहा है। किचन के साथ साथ आपको एक 3 फीट की बालकनी इसमें मिल जाती है। बालकनी में ही वाटर स्टोरेज लगा हुआ है गाइस। किचन के सामने देखोगे आप कॉमन बेडरूम है गाइस, कॉमन बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया है। मोस्टली बिल्डिंग में आप देखोगे तो किचन के सामने टॉयलेट या बाथरूम होती है, बट ये वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है गाइस। तो किचन के सामने एक 8x10 का आपको बेडरूम मिल जाता है। मीन्स अगर आपको एक किंग साइज़ बेड लगाना है, डालना है बेडरूम में, तो आराम से आपका वो किंग साइज़ बेड आ जाएगा और एक वार्डरोब भी आ जाएगा। बेडरूम के साथ साथ आपको 3 फीट की बालकनी मिल जाती है इसमें भी गाइस। बालकनी में क्लोथ्स ज़्यादा होने की वजह से मैं बालकनी का साइज़ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ गाइस। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो गाइस इसमें आपको CC ब्लूप्रिंट, शेयर सर्टिफिकेट, सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि 95% लोन आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से या अदर बैंक से 80% लोन करवा सकते हो। पैसेज का जो एरिया देखे गाइस वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें सामने ही कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम का एरिया अच्छा है, और इसमें सबसे प्लस पॉइंट जो है कि कॉमन बाथरूम के पीछे गाइस जो है वो एक डक्ट एरिया दिया गया, उसमें आप एक इंडियन टॉयलेट भी बना सकते हो, या अगर आपको कोई स्टोरेज करना है कुछ भी चीज़ तो स्टोरेज के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया हुआ है जो कि इसको स्टोर के रूप में या फिर इंडियन टॉयलेट बना दिया पीछे, तो इंडियन टॉयलेट के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ साथ आपको इसका मास्टर बेडरूम मिल जाता है, उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है गाइस। 10x11 का इसका मास्टर बेडरूम मिल जाता है। इसमें बालकनी नहीं है, बालकनी की जगह पर इसको स्टोरेज एरिया दिया है गाइस। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, अंदर इंक्लूड भी कर सकते हो, बट आपको सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें आपका किंग साइज़ बेड लगाओ या फिर आपको 6x6 का कोई भी बड़ा भी बेड लगा सकते हो। साथ के साथ आप इसमें एक वार्डरोब भी डाल सकते हो, अच्छा एक वार्डरोब भी आ जाएगा। सामने व्यू जो दिखता है वही JKRS का व्यू आपको दिखे गाइस, और एंट्रेंस है जो बेडरूम का एंट्रेंस है वही ईस्ट वेस्ट है। मास्टर बेडरूम में जो इसका टॉयलेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है। जो डक्ट एरिया है उसको आपको स्टोर के रूप में यूज़ कर सकते हो, या फिर अदर कुछ भी वॉशिंग मशीन या कुछ भी डालना हो आप इसमें डाल सकते हो, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, फ्लैट कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलना। थैंक यू वेरी मच।